क्यों नहीं, क्योंकि क्योंकि नहीं है आंटी। चलो ये बिंदी तो लग चुकी गाइस आपने इसको बोला हिले मत। हिलो लगा डर लग रहा है कि आप लोग मेरे को देखने तो कैसा लग रहा है। ये देखो मैं खा रहा हूँ मस्त डार्क चॉकलेट। चलो डार्क चॉकलेट खाते हैं भाई। मैं अच्छी अच्छी डार्क चॉकलेट क्या बोल रही मस्त एकदम हाँ मस्त लग रहा है। हेलो गाइस, तो भाई देखो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो था घर पे, और फिर मैं सोचा था कि भाई डायरेक्ट जो वीडियो है वो तभी बनाएंगे जब हम लोग वीडियो बनाने लग जाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल मैं इन्हें आया था नीचे, मैं नीचे आ गए थे हम तीनों ही ऐसे ही। इतने दिनों बाद ये दिखा है व्लॉग में, मैं भी इतने दिनों बाद ही आ रहा हूँ व्लॉग, इतने से मैंने बनाया भी नहीं है। वो देखो पीछे क्यों घूम रही है हमें नहीं पता है, क्यों गोल गोल घूम रही है। ओए इधर इधर इधर, तो ये देखो सस्ती भी इतने दिनों बाद फाइनली दिख गई है। तो अब जो है इन हम तीनों का गेटअप बहुत ही अलग होने वाला है, जो कि बिहाइंड द सीन्स में हम देखोगे, आप लोग खुद पहचान में तो आएंगे, हम लोग इतना भी नहीं करने वाले, लेकिन हाँ काफ़ी अलग अलग गेटअप्स मेरे भी दिखेंगे, इसके भी दिखेंगे, इसके भी दिखेंगे। इन दोनों को तो इवन तक पता भी नहीं है इनके क्या क्या गेटअप्स जो है आने वाले, इन्हें सच्ची नहीं पता, इन्हें कुछ नहीं पता। ये ज्ञानी है ना जिन्हें पता है। तो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, स्क्रिप्ट ऐसा मैंने ही लिखी है। ये हमारे जो है एक्टर्स हैं, इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है, इनको तो स्क्रिप्ट भी नहीं पता है। इनको तो मैंने बुलाया, मैं डायरेक्टर हूँ, राइटर हूँ, डायलॉग राइटर हूँ, प्रोड्यूसर सब कुछ मैं ही, मेकर वेकर सब कुछ मैं ही हूँ, समझी। तो मैंने कल ही बुलाया कि मैंने बस एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, मैंने इनको फ़ोन किया कि भाई आ जाना वीडियो बनाने, और ये लोग आ गए। उन्होंने बोला ठीक है तनिष भी हम आ जाएंगे। ऐसे इनके एग्जाम्स आ रहे हैं 25 तारीख से, एक मैंने बोला चलो भाई एक दिन आ जाना, सिर्फ 10 दिन बाकी है। दो दो एग्जाम है, साइंस और मैथ साथ में। बोलो सिर्फ दो ही एग्जाम के लिए इतनी टेंशन ले रहे हैं हम, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेता था मैं तो। 10 दिन क्या, एक दिन पहले भी पढ़ लेता तो वही बड़ी बात है, लेकिन फर्स्ट आता था, बैक बेंचर भी हूँ मैं, फर्स्ट टॉपर हूँ, बड़ी नाम है तनिष बोथरा का। चलो ठीक है अभी जा रहे हैं हम लोग घर पे, और इन लोगों को तो पता भी नहीं है, तो इनके लिए भी और इंटरेस्टिंग होगा जब इनको पता चलेंगे इनके क्या क्या गेटअप है, उनके क्या क्या रोल है, तो इनका भी जो रिएक्शन है वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे। तो चलो फटाफट से चलते हैं घर पे। तो गाइस देखो हम लोग जो है लास्ट वीडियो बनाया था जब हम तीनों नीचे थे, और आज जो है घर पे आ चुके हैं, और अब जो है हमारा जो वीडियो है इंडिपेंडेंस डे का जैसे मैंने बताया वो उसकी तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले ये देखो ये तिरंगा दुपट्टा है, सबसे पहले ये लेके आए हैं, फिर ये देखो यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे आप सोच नहीं सकते क्या चीज़ बना रहे, इसके खुराफाती दिमाग से यही बना रहे जो बना रहे। ये भी उसकी हेल्प कर रही है, ये हमारे झंडे का डंडा है, और हमारा झंडा क्या है वो रहा हमारा वो झंडा है, और ये रहा हमारा तिरंगा वाला दुपट्टा, ये रहा हमारा, क्योंकि भाई देखो इसमें ना मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब वो फांस फांस है ना, इसलिए इसको ऐसे एक बार इसको लगा रखा है। अभी इसको थोड़ा टाइम में पेपर से या फिर कपड़े से लपेट लेंगे, अभी इसको ऐसे पकड़ गए मैंने नीचे से निकाला है, नीचे पड़ा था तो हर फिलहाल अभी निकाल लिया है, और हम सब लोग बना रहे हैं प्रॉप्स बना रहे हैं। मैं ये अभी दुपट्टा लेके आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, हम लोग जो हैं सब लोग मिलके प्रॉप्स बना रहे हैं। अभी तो मैं नीचे दुपट्टा लेने गया था क्योंकि मैं भी यहाँ पे हेल्प करवा रहा था, और बना रहे थे हम लोग। तो चलो अभी जो मेरा खाना भी खाने का टाइम होने वाला है, खाना जो खाया नहीं मैंने, ये देखो अभी 3:06 हो रहे हैं, तो फटाफट से खाना खाते हैं,
और उसके बाद हमारा वीडियो बनाना शुरू होता है। और अब जो है इन लोगों को स्क्रिप्ट पता चल गई है, लेकिन इन लोगों का स्क्रिप्ट में क्या रोल है वो भी पता चल गया है, लेकिन कैसा गेटअप होने वाला है इन्हें नहीं पता है। तो गेटअप कैसा होगा वो तो इनके लिए अभी तक सब सरप्राइज ही है भाई। आप लोग सोच नहीं सकते भाई ये क्या बना रहे, कौन सा प्रॉप बना रहा है, आप लोग दिमाग ही नहीं लगा सकती भाई क्या बना क्या रहा है ये भाई। देखो वो और ये दोनों मिलकर हेल्प कर रहे हैं और मैं भी बनाऊंगा। सबसे पहले अभी तो है हमारा खाना खाने का टाइम, सबसे पहले खाना खाते हैं, तब तक इनका थोड़ा सा काम बाकी है हमारा, हम सबने मिलकर कर लिया है, थोड़ा सा काम बाकी है तो लोग कर लेंगे और मैं जो है खाना खाता हूँ। ये हमारा पार्ट नहीं है, इसे हम लोग साइड में कर देंगे, ये हमारे आने वाले वीडियोज़ का पार्ट होने वाला है जल्दी, अभी नहीं है लेकिन आने वाले वीडियोज़ का पार्ट होगा ये भी, अभी आपको बताऊँगा। तो चलो फटाफट से अभी है खाना खाते हैं और उसके बाद ही मैं आप लोगों से मिलता हूँ, या फिर खाना खाने में अगर अभी 5 मिनट तो है, तो अगर 5 मिनट में अगर हम लोग और कोई दूसरा प्रॉप बनाना शुरू कर देते हैं तो वो भी आपको दिखाऊँगा, या फिर ये प्रॉप बना के रेडी कर लेता है तो दिखाऊँगा। तो चलो सबसे पहले अभी मैं आप लोगों से खाने खाने के बारे में मिलता हूँ। तो भाई देखो ये जो है अंडा, इसमें देख सकते हो यहाँ पे, एक सेकंड इधर दिखा भाई वीडियोग्राफर, तो वो कितनी भाई लकड़ी निकली है तो इसको लगा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इस पे जो है हम लोग कागज लपेट रहे हैं पूरा ऐसे, कागज अब देखो पूरे डंडे को जो है लकड़ी के डंडे को हम लोगों ने कर दिया पेपर से कवर, इसमें लगे पूरे 5 पेपर, ये हमारा एस्टिमेशन था, तो लगा था कि 4 में हो जाएगा, क्योंकि हमने 5 का एस्टिमेशन ले ही रखा था। अब इसमें अब लग रहा है ये वंदे मातरम भारत माता जय, अभी सही लग रहा है। अब जो है हमारे सेटअप के लिए रेडी है हमारा झंडा, चुन्नी भी खोल ली तो क्या मस्त लग रही है, एकदम तिरंगा चुन्नी, उसके साथ तिरंगा लग रहा है जोरदार। चलो अब हमारा तिरंगा हो चुका है रेडी, हो चुका है हमारा तिरंगा रेडी, इसे भी हम करते हैं और अब मैं आप लोगों से मिलूंगा गेटअप में। तो चलो अभी देखो अब हम प्रेमचंद जी बन रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने बाल लेकर के सुखा लिए, अब ये वाइट पाउडर से हम बनेंगे प्रेमचंद जी, अब समझ नहीं पड़ेगा प्रेमचंद जी कौन है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक है। तो प्रेमचंद जी बनने का सफर हम शुरू करते हैं हम, तो ये हमारी आर्टिस्ट है ये वाग की, इधर आ जाइए कैमरा मैन जी, अरे आप नहीं कैमरा तो चलो प्रेमचंद जी बनना शुरू करते हैं। अबे बुड्ढा ही नहीं बना मैं तो, ओ गाइस हम प्रेमचंद जी पीछे से तो करो, पीछे तो करो, पीछे थोड़ी देखनी है, ऐसे बनाते हैं प्रेम।
चलो फाइनली प्रेमचंद जी बन चुके हैं यहाँ पे नहीं है तो गाइस कैसा लग रहा है ये गेटअप हम लोग बता सकते हो। चलो अब फाइनली शर्ट वर्ट पहनते हैं तो प्रेमचंद जी का फाइनल लुक लेके आते हमारी मेकअप मैन आ चुकी है, मेकअप वुमेन है स्टाइलर हमें प्रेमचंद जी। हमने तो खाली बाल मतलब पाउडर डाल लिया था लेकिन अब हमें प्रेमचंद जी की हेयर स्टाइल बना दी गई है। तो अब देखो हम प्रेमचंद जी कैसे लग रहे हैं। ओहो प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी बन चुके हैं। तो अब जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। तो चलो मैं आप लोग स्वतंत्र दिन स्वतंत्र दिवस बना रहे हैं। नमस्कार मैं प्रेमचंद। तो सबसे पहले हम लोग झंडारोहण करते हैं। तो चलिए भारत माता की क्या झंडा। नमस्कार नमस्कार मैं प्रेमचंद। नमस्कार तूने अभी क्यों नहीं शुरू किया। नमस्कार नमस्कार मैं प्रेमचंद। तो सबसे पहले हम झंडारोहण करते हैं और क्यों नहीं है। तो भाई चलो प्रेमचंद का जो रोल है वो हो चुका है। भाई देखो मेरी हेयर स्टाइल मैंने कैसी बनाई हुई है। सबसे पहले भाई शर्ट्स के बटन खोलते हैं और शर्ट को दूर रखते हैं। अरे भाई ये भी बंद किए हुए हैं, अब इसे कैसे खोलेंगे। भाई ये खोलने में इतना टाइम लग जाए। चलो शॉर्ट खोलते हैं फटाफट और बाल धोते हैं और हमें हमारे भाई काफी ज्यादा कैसा लग रहा है। बाल खराब हो गए भर भर के लगता है भाई मकसद होने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा ही पाउडर डाली है मकसद होने पड़ेंगे। तो चलो अंदर बाथरूम में चलते हैं। मकसद होना पड़ेगा भाई इतनी भी भाग में ये तो भूल ही गया कि मैंने घड़ी पहन रखी है। घड़ी को तो देखते हैं निकल रहा क्या कलर। हाँ निकल रहा है बहुत ज्यादा ही हो रहा है। लगता है बहुत ज्यादा पाउडर डाल दिया प्रेमचंद बनने में। एक बार साबुन से धोलो ना अच्छे से हो जाएगा। नहीं निकल रहे शैम्पू करना पड़ेगा। हमने फटाफट डव का शैम्पू ले लिए फटाफट सर में कर रहे हैं। पहली बार हो रहा है कि मैं कपड़े पहन के शैम्पू कर रहा हूँ। जब मैं नहाने जाता हूँ तभी करता हूँ। अब सीधा इस नल के नीचे रख के ही अरे मैं तो सारा कलम गाने के लिए शैम्पू कर रहे हैं भाई। भाई देखो कितना सारा पाउडर निकला है। गर्दन पे शैम्पू दो टॉवल दूं। टॉवल तो देना पड़ेगा ना पागल है आज तो भी सूखेगा। ओ भाई हाँ भाई हमारे कैमरामैन कोई कोई नहीं हम ले लेंगे। तो अब निकल गया कलर। तो चलो हम रेडी हैं हमारे नेक्स्ट रोल के लिए। तो आप लोग देख सकते हो भाई हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। भाई मेरी पूरी टी शर्ट गंजीली हुई। हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं इस वीडियो बनाने में। ऐसे तो हमने बहुत ज़्यादा
नहीं है वैसे, जो हम लोग प्रोडक्शन में अलग अलग प्रॉप्स लिए हैं इसीलिए भाई ये रियलिस्टिक है, इसीलिए वो दिखाना चाहते हैं कि भाई कैसी मेहनत है, कितनी रियलिस्टिक वे में हम लोग कर रहे हैं। तो चलो सबसे पहले हम इसको धोते हैं, यानी धो तो लिया है, पहुँचते हैं और अगले करेक्टर के लिए रेडी होते हैं, जो कि करेक्टर है पता चल जाएगा। देखा यहाँ पे आंटियाँ बनाई जा रही है आंटी ये क्या अलग ही आंटी लग रही है हमारी प्यारी सी, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी चुट्टियाँ हैं इसके और मेरे को आंटी बनाया जा रहा है। चलो ये बिंदी तो लग चुकी है, ये तो चुन्नी जो है, ये चुन्नी की तो इसको तो ज़रूरत नहीं है, तो ये चुन्नी जो है हमारी स्वस्ती लगा लेगी, इसको निकालो, ये सुबह से रानी लक्ष्मी बाई बन के घूम रही है। तो ये देखो कितने सारे कपड़े, ये देखो सारे इतने सारे कपड़े हो रखे हैं, इतने हमारे बार बार ड्रेस चेंज कर रहे हैं। ये देखो भाई अब जो है अब हमें बनाया जा रहा है आंटी, ये बिंदी तो लग गई है और अब ये बना दिया हमें मदर डेयरी से, इतने बड़े बाल थोड़ी होता इतना आगे तक बाल ओ भाई हाँ ये ठीक है, तो ये बन गए अब, ये फैक्टली प्रॉपर परफेक्ट एकदम। और ये देखो मारवाड़ी करके लुक है ये भाई अलग ही है, ये देखो वन ये दूसरी आंटी ये कुछ ज्यादा ही काले 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 बाल हो गए अब तीनों के, काले काले बाल बनाने के चक्कर में भाई, ये देखो भाई ये देखो 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 भाई सावरे सावरे ओ भाई देख नहीं भाई ये भाई अच्छे लग रहे हैं, हमारी मेकअप में हमें लिपस्टिक लगा रही है, आगे भी हमें शूट करना है लिपस्टिक नहीं। अरे मैं एक मिनट में उतार दूंगी तेल से, मेरे को आता है भाई। नहीं उतर जाएगा मैं बोल रही हूँ। नहीं भाई हमारे ये देखो कितने प्यारे प्यारे से होंठ हैं, प्यारे प्यारे होंठ हम नहीं लगवाएंगे, इधर ये तो लगवा रही है क्योंकि ये तो लड़की है भाई। देखो कहाँ ये कहाँ ये होंठ कहाँ ये होंठ भाई, हम देख इसके तो इसके तो रियल बात दिख रहा मैंने भी वन साइड बना रखा है। तो अभी जो आंटियों का जो रोल है वो आप वीडियो में देख लेना, तो अभी तो ये मैंने को मस्त मस्त नहीं लग रही है, हम दोनों बहने बहने वाले आए आए चलो अब जो है मैं बोल रही हूँ अब जो आंटी आंटी का रोल जो है मैं बोल रही हूँ लगा लो हल्की हल्की से, नहीं आप भी बताओ लिपस्टिक नहीं लगवानी चाहिए यार, गाय जब थोड़ी बताएंगे हल्की हल्की कोई नहीं कोई नहीं लिपस्टिक लिपस्टिक नहीं लिपस्टिक नहीं ऐसी ठीक है। तो ये देखो हम लोगों ने वन सेट बाल लगा लिया, वन सेट बाल। तो गाइज हमारे मेकअप आर्टिस्ट ने फाइनली हमें मना लिया है कि लिपस्टिक लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ये वादा किया है हमसे कि ये हाथों हाथ हमारी उतरवा देगी क्योंकि हमें आगे भी शूट करना है। तो ये देखो कैसा लग रहा है, कहाँ उदित के ये वाले होंठ कहाँ ये होंठ, बड़ा अजीब लग रहा है भाई बड़ा अजीब है भाई भाई मेरे भी होंठों को लगा भाई मेरे को लड़कियाँ तो रोज लगाती है भाई लड़की है और हम लड़के ओ भाई मुझे नीचे का बात
हर बहन का सपना होता है अपने भाई का मेकअप अच्छी बना के तैयार करने का। आज भी मेरा सपना साकार हो रहा है। ऐसे करना आप लोग मेरे को देखने से कैसा लग रहा है? Oh my god, ये ऊपर ही है। मैं हर बॉय कर रही हूँ, तू इतने हिल रहा है भाई, ये क्या कर दिया? मैं तो कहूँ भाई कितना चिपचिपा लग रहा है ना भाई का, अलग ही लग रहा है मुझे। ये तो हमारे ससुर जी आ जाएंगे पीछे, क्या ये देखो गाइस, इसकी तो लिपस्टिक तो टोन अलग है। ये देखो गाइस, ये पीछे क्या है? भाई हमारा प्रोडक्शन का बजट नहीं है इतना कि हम लोग प्रॉप्स ला चुके, माल ला चुके, ला सके, लेकिन देखो मेरा बकरा अलग लग रहा है, इतना ही अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं। चलो अब शुरू करते हैं, अब शुरू करते हैं हमारी जो रियल शूटिंग है, उसके बाद हाथों उतार देंगे भाई, हमें जरा ही नहीं जम रही है ना भाई, एकदम चिपचिपा सा लग रहा है, लड़के को सुनवा के रखती है। तो चलो ये ना मेरा फोन ट्राइपॉड में लगा हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। ए मेरे वतन के लोगो, जरा क्या है, क्या है आगे? पहले हम आप सबको मेरे वतन के लोगो, क्या है मेरे वतन के लोगो, जरा आँख में भर ये देखो, अब हमारा फाइनली जो शॉट है आंटी वाला वो कंप्लीट हो चुका है, और अब भाई इतनी ज्यादा मुश्किल, इतनी ज्यादा हंसी हो रही थी, इतनी ज्यादा हंसी, सबसे ज्यादा ये हंस रहा था, मतलब इस पे आप ऐसे बेइज्जती कर दी, ये हंस रहा था बोले आप, वाह तो सच्ची भाई इतनी ज्यादा हंसी तो हो ही नहीं रहा था। अबू भाई पूछो भाई कितनी ज्यादा हंसी आ रही थी, हो ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे से देखो कैसा अलग सा लग रहा है, मैं कैसा अलग सा लग रहा हूँ, एकदम से मतलब बोले ना कि वो जी। लेकिन ये तो देखो, ये तो लड़की है, तो देखो भाई क्या मस्त सुंदर सी हमारी प्यारी सी गुड्डू लग रही है। तो ये है हमारी गुड्डू, ये नहीं हंस रही थी, हमको देख के हंस रही थी, तो ये भैया बात है इसकी एक्टिंग है, लेकिन हाँ वो एक्टिंग किया जितना हंसी ने, ऐसा होना चाहिए ना कि हमने कितना अच्छा शॉट लिखा है। तो चलो अब पहले जो है ये आ गए, ये अब उतारेंगे नॉर्मल है, सुनिए कि देख रहा है हाथ लिए डर लग रहा है, इसका रिएक्शन देखने लायक है, देखो खुश हो रहा है, वहां उतर दिए जिंदगी बर्बाद होने से। पर ये वाली क्यों लग रही है, मैटी लिपस्टिक है? मैटी नहीं है, लिक्विड है, ये मैं यूज नहीं करती, स्क्रीन पे लगा दी। ओ भाई हमारा उतर गई लिपस्टिक, लेकिन थोड़ा थोड़ा रंग रह गया भाई, नहीं नहीं उतर जाएगी, चार से पांच शेड वाली वो इसकी नहीं उतरी, तो एक मिनट पहले मुझे उतार दूँ, मैं तेरा बाकी का भी पहुँच दूँ, मेरे मुँह से भाई मुँह तो खोल ले। हाँ दानव जैसा मुँह दिखा। अब जाओ मुंह धो लो, ये बिंदिया जो है ना, तो अब मैं बनाऊं गाइस आरएसएस वाला, अब हमारी मूंछ बन रही है, पतली सी मूंछ बन गई है। हमारे मेकअप आर्टिस्ट बड़े गजब के हैं।
चलो अभी देखता हूँ मैं फिर से। ओ भाई ये क्या अच्छे लग रहे हो थोड़ा सा आरएसएस वालों के सबसे सही लग थोड़ा सही कर ले ना राम बोले तो ऐसे श्याम बोले तो ऐसे तो चलो शुरू करते हैं राम श्याम राम श्याम राम राम तो गाइस अभी हमारा जो फाइनली एक पहला टॉपिक है हमारा जो वीडियो का टाइटल है वो है होम वर्सेस स्कूल। तो जो हमारा होम वाला है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। उसका जो लास्ट टॉपिक था वो था आरएसएस वाली गेम्स जो कि हो चुके हैं कंप्लीट। और अब देखो अभी तक मैं क्या टक रहा हूँ कि साफ कर लिए और अब जो है अब है स्कूल वाला। तो भाई क्योंकि ऑलरेडी टाइम देखो भाई टाइम हो रहा है 8:08 काफ़ी लेट हो रहा है और इनको 9 बजे जाना है। मेरे फ़ोन की बैटरी सिर्फ 2% हो रही थी तो हम लोगों ने वो लगाया चार्ज में तो देखते फटाफट 10-15% हो जाएगी तो हम लोग शूट करने लग जाएंगे। तो अब देखते हैं भाई स्कूल वाले में ये होते हैं कि नहीं होते क्योंकि यहाँ पे ना एक सबसे पहले इनके पापा को फ़ोन करके हम लोग बोल देंगे कि आप जो है 9 बजे आना है इनको लेने। वो हम लोग ट्राई करेंगे अगर बोलो 9 बजे है तो हमारे पास 1 घंटा और है तो अब हम लोग ट्राई करेंगे कि 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग स्कूल वाला भी पूरा कम्प्लीट कर लें ना। काफी मजा है होम वाले में तो काफी मजा है। अगर स्कूल वाले में अगर इनके पापा नहीं माने अगर 9 बजे तक फिर 9 बजे तक अगर मान भी गए फिर भी अगर नहीं हो पाया तो फिर देखेंगे स्कूल में किसी में ले लेंगे किसी में नहीं ले पाएंगे तो वो तो फिर देखेंगे जैसे भी होगा। लेकिन होम वाले में ये लोग इतने साथ में काफ़ी ज़्यादा मजा आया। हम सबका रोल था मस्त मस्त सा काफ़ी मजा आया हम लोगों को तो देखो भी आएगा हमको भी आएंगे तो सीन सच्ची इतना मज़ा आ रहा था ना। वो लिपस्टिक वाले में तो इतना मज़ा आया था सच्ची भाई आप लोग भी देख रहे थे हमारे चेहरे पे हंसी कितनी। हाँ हाँ सर मतलब बिहाइंड द सीन देखो ना तो अभी इतनी हंसी आ रही थी हमारा हम तो पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे थे कि वो कितनी ज़्यादा मतलब वो ऐसा लग रहा था कि भाई वो कैसा इसको लग रहा था ये लिपस्टिक लगा कैसा लग रहा था मैं लिपस्टिक लगा के कैसा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे। उतनी बन गए वो ऐसा लगी ना तो सच्ची भाई क्या है बिंदी बिंदी लगा अभी बिंदी तो फिर भी मगर बहुत बड़ा गई एक्टिंग करते हुए लेकिन भाई लिपस्टिक तो सच्ची पहली बार लगा रहे इसने इसको इसकी तो इसने अभी तक लिपस्टिक नहीं उतारी अभी तक लिपस्टिक लगा के रख रही है। मैंने मुझे तो भाई होते ही लगाता दीदी मैंने तो पहली बार लगाई थी। हाँ तो चलो अब जो है हमारा स्कूल वाला शुरू होगा जैसे ही हमारा खत्म मतलब फोन का जो बैटरी है वो चार्ज हो जाएगा। तो चलो अब फोन का जो है चार्ज होने का वेट करते हैं तो फटाफट से चार्ज हो और हम लोग जो हमारा स्कूल वाला है चालू करें। तो चलो हमारी स्क्रिप्ट तो रेडी है बाकी चलते हैं। जब स्कूल वाला है उसका शुरू हो गया है भाई ये देखो स्कूल वालों का स्कूल वाले की शूटिंग शुरू हो चुकी है भाई मुदित को दिखाएंगे सबसे पहले भाई हमको तो क्या बने हम लोग ये देखो इसको भी पूरा बना दिया है इधर उधर और इसको भी पूरा बना दिया है भाई एकदम अलग अलग लग रहे हैं हम सब लोग। बस चलो अभी फटाफट से केला वाला जो सीन है उसको शूट करते हैं चलो। तो ये देखो भाई अब हमारा जो सेटअप है स्कूल का वो सबसे पहले हो चुका है रेडी तो चलो अब शूट करना चालू। चलो और मम्मी 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 भाई ये देखो अब हमारा वो वाला शूट कंप्लीट हो चुका है लेकिन ये क्या है ये जिसे पूरा धोने को लेकिन लेकिन ये धो ही नहीं पाया है। और ये देखो भाई क्या काली काली ये जुल्फे इसकी लग रहा है भाई देखो और मैं तो और खतरनाक ये देखो पूरा इतना पसीना आ रहा था मैंने हाथ ऐसे ऐसे कर लिया देखो मेरे हाथों पे लग गया और पूरा ऐसे देखो मेरा मुंह भाई कैसे हो रखा है मैं धोऊंगा तो पता नहीं कैसा ही हो जाएगा अजीब सा। ये देखो मुँह तो अलग ही हो रखा है और सस्ती के भी अलग मुँह पे पूरा पानी पानी लगा के पलक दीजिए देखो अच्छे से धो रही है। स्कूल वाले का जो एक पार्ट है वो अच्छे से रिकॉर्ड हो चुका है और अब जो है अब जो इनके पापा का फ़ोन आ चुका है क्योंकि भाई टाइम मैं आपको दिखाऊं ये देखो टाइम अरे चलो जा 8:47 हो रहे हैं टाइम तो इनके पापा का फ़ोन आ चुका है तो अभी ये लोग जो हैं जा रहे हैं घर पे उसका मस्त क्लियर हो गया भैया से। तो अब जो ये लोग घर पर जा रहे हैं तो अगर मैं देखता हूँ कि जो भी बनना है आगे करेक्टर्स वो मैं ही बन जाता हूँ फिर क्योंकि फिर और कुछ तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेरे को कल तो कल वीडियो डालना ही है क्योंकि मेरे को मेरा जो गलती थी मेरे को बड़ा लेट आइडिया आया इसका इस वीडियो को बनाने का देखो भाई मुदित का भी एकदम सही हो गया देखो देखो मस्त ऐसे धो धा के पहुँच के हाँ
मेरा तो कुछ ज़्यादा ही गंदा है पसीने की वजह से, मैंने पूरा ऐसे ऐसे मुँह पहुँच रहे, मैं उनको ध्यान नहीं, अरे मैं तो मैंने वो लगा रखा है ब्लैक कलर का। तो चलो अब जो है ये लोग तो जा रहे हैं, बाय बाय एंड बाय बाय स्वस्ती। और ये कपड़े मुदित ने तो खोल दिए हैं, आप भी खोल दीजिए, ये प्रोडक्शन के कपड़े हैं। तो अभी जो है देखता हूँ, जो भी आगे वाले जो करेक्टर हैं वो लोग इन लोगों के साथ भी थे, लेकिन अब जो है वो मेरे को ही बनाने पड़ेंगे, इन लोगों का वीडियो डालना है। तो देखते हैं भाई, बाय बाय गाइस, क्या करते हैं, बाय 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 बाय। चलो अभी ये लोग तो जा रहे हैं, तो देखता हूँ आज रात को मैं शूट करता हूँ या फिर मैं कल जो है ये लोग आ जाएंगे इनकी स्कूल से 10 बजे, क्योंकि इसका जो है डांस परफॉर्मेंस है स्वस्ती का भाई डांस परफॉर्मेंस है। तो स्वस्ती को पहले ही बेस्ट ऑफ लक कर देते हैं, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया सा डांस करना। एक ही मतलब एक ही पैरोडी बना रखी है इन्होंने, 4 सॉन्ग्स की है, अलग अलग गाने हैं, तो वो डांस होगा। तो कल तो मैं स्कूल तो नहीं जा पाऊँगा, कहाँ जो भी अगर ये इनको वीडियो रिकॉर्ड करा तो आप लोगों को ज़रूर दिखा दूंगा कल के ब्लॉग में। तो हाजरा मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई मैं जो रिमेनिंग करेक्टर्स है वो खुद करूँ या फिर इनका वेट करूँ कल सुबह, क्योंकि कल ये लोग 10 बजे तक आ जाएंगे। देखते हैं, सोचते हैं क्या करें। भाई ये देखो, ये पूरे रूम का हाल देखो, पूरे इतने सारे कपड़े यूज़ हुए हैं, ये देखो भाई इतने सारे, ऊपर उठाते जाऊँ तो भी कपड़े, मैंने भी इतने कपड़े पहन रखे हैं। और अभी मैं यहाँ पे काम करने आया, एडिटिंग करने आया, तो देखो टॉवल, ये बुक्स, ये वहाँ पर कितनी कितनी चीज़ें यूज़ हुई है, जितनी सारी चीज़ें यूज़ हुई है यहाँ पे, हर जगह देखो भाई, वहाँ पे पूरा पूरे बेड पे देख लो, इतनी इतनी चीज़ें यूज़ हुई है, यहाँ पे भी पड़ी थी और भी बहुत चीज़ें भाई, दिखी नहीं रही, देख आऊँ भाई, मिल ही नहीं रही, कहाँ गई, हमारे जो प्रॉप्स थे गाइस, वेर इज आवर, ये रहा एक प्रॉप, तो मेरा हमारा दूसरा प्रॉप कहाँ है, कई बार दूसरा प्रॉप कहाँ गया, हमारी तलवार कहीं दबके दबके तो नहीं रह गई भाई, कहीं दिख नहीं रही हमारी तलवार, वेर इज आवर तलवार भाई। तो जो भी है भाई देखो, पूरा मतलब पूरा रूम इतना मतलब मिस हो जाता है ना, मतलब अभी मैंने पूरा यहाँ पे शूट किया, देखो यहाँ पे शूट किया, अभी जो है पूरे बैकग्राउंड इसी पे शूट किया है। हाल फिलहाल तो भाई हमारे पास इतना बजट भी नहीं था कि भाई हम लोग कहीं बाहर जाएं या फिर वही जो मैं प्रॉप्स खरीद के रखे हो, कुछ नहीं था ऐसा, जो था यहाँ से देखो पिने गिर रही है, इतनी ओवरलोड हो रखी है पिने, वो गिरने जा रही है, तो जो था जो मैं हम लोगों ने खुद से बनाया, चाहे पेपर से बनाया हो, चाहे कुछ दिमाग लगा के बनाया हो, चाहे किसी मूछ बनानी थी, तो बहुत सारे लोगों ने मूछ का प्रॉप आता है वो लगाते हैं, लेकिन भाई मैंने मूछ का प्रॉप नहीं लगाया, पेंट किया सच्ची, फिर स्कूल वाले में देखा ऐसे 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 प्रॉप किया है, तो वीडियो सबसे पहले वीडियो लगा देख लो, ताकि अभी जो जो भी मैं बोलूँ बिहाइंड द सीन्स आपको समझ आए भाई क्या हो रहा है सच्ची में। सबसे पहले आप जो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में है तो वहाँ जाके आप देख सकते हो, सबसे पहले वीडियो देख लो उसके बाद ये पूरा ब्लॉग देखो, मतलब आप समझ आ रहा हो मतलब कैसे कैसे चीज़ें होती है, क्या क्या होता है, मतलब शूटिंग में, मतलब हमारे पास तो इतना मतलब नई वेन्यू है नई कुछ है, तो भाई ऐसे शूटिंग होती है मतलब रियलिस्टिक में कितना मैसअप हो रहा है, अभी देखो ही देख लो, अभी रात को इसको साफ करने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा, कितने कपड़े हैं सबमिट करने, इन सारी चीज़ों को पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाला है, ये देखो टॉवल पड़ा है यहाँ से, बार बार पहुँचने के लिए पसीना आ रहा था, ये देखो बिंदी के पत्ते पे नेल पॉलिश के लिए, यहाँ पे ये माइक, ये चश्मा, क्रेयॉन्स बॉक्स, इसके नीचे भी इतनी इतनी सारी चीज़ें हैं, चश्मे, कैंची, पेन, ये चॉकलेट वगैरह, जितने भी प्रॉप्स यूज हुए हैं तरीके से हर एक चीज़ जो वहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे भी इतने सारे जो कपड़े पड़े हैं, माइक के डब्बे, स्पीकर्स, बुक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, मतलब ऑलरेडी इतना सारा मैसअप हो रखा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई है जो यहाँ पे पड़ी है, वो ऐसा लगता है भाई मतलब एक एक इतने से रूम है, जैसे मैं आपको रूम दिखाऊँ, इतने से रूम के अंदर एक वाइट स्क्रीन को लेके हम लोगों ने शूटिंग की, यहाँ पे पूरा देख पूरा इसी को लेके हम लोगों ने शूटिंग की है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक वो भी होता है कि बस एक ही रूम है उसके अंदर आपको शूट करना है, जो भी आपको सिचुएशन दिखानी है अलग सिचुएशन दिखानी, आपको एक ही रूम में एक ही इसी स्क्रीन पर शूट करना है, हाँ कहीं ना कहीं वो लगता है कि भाई वो थोड़ा आसान हो सकता है। मैं अभी एडिटिंग करने बैठूंगा तो मेरे को सबसे पहले ये सारी चीज़ें क्लीन अप करनी पड़ेगी, या फिर मैं देखता हूँ कि ऑलरेडी टाइम देखो अब 11:33 हो रहे हैं, इतना लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं, सबसे पहले हो चुके मैं एडिटिंग ही करता हूँ, क्योंकि भाई एडिटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, मेरे को कल सुबह सुबह डालना है, और अभी तो मेरा स्कूल वाला बाकी है, सच्ची में स्कूल वाला अभी बाकी पड़ा है,
तो स्कूल वाले का तो एक ही हुआ है अभी तक डांस, बाकी कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी अब मुझे ही करना है। वो तो चले गए थे 9 बजे ही, फिर यहाँ पर बैठा था सोच रहा था स्कूल वाले के लिए, बहुत सोचा कि मैं खुद बनाऊँ या फिर उन लोगों का वेट करूँ, क्योंकि भाई देखो उन लोगों का वेट करूँगा मैं तो सिंपल है कि उन लोग वो लोग 10 बजे आएंगे स्कूल से, और स्कूल जाने के बाद फिर नाश्ता वाश्ता करके 11-11:30 आए, हम लोग 12 बजे वापस शूटिंग करना शुरू करें, उसके बाद 2-3 बजे तो हमारी शूटिंग कंप्लीट हो, उसके बाद मैं उसे फिर आपस अभी का तो मैं अभी एडिट कर लूँ, उसके बाद फिर उसे एडिट करूँ, फिर 4-5 बजे डालूँ, तो फिर मेरे को तो कोई मतलब लगता है। वो पहले सबसे पहले तो गलती मेरी ही है जो मेरे को इतना लेट याद आया कि मेरे को बनाना है कुछ करना, तो मैं एक ही दिन में सारा कुछ करने लग गया। अब कल इतना लेट आएगा तो कोई मतलब नहीं है, कल अगर सुबह सुबह आएगा तो ही मतलब है, देखता हूँ। अगर हुआ तो शायद मैं भी आज कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, वो भी एक बड़ी दिक्कत है भाई, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा वो भी एक बड़ी चीज़ है कि लाइक मेरे को जो जो भी बनना है, अलग अलग कैरेक्टर्स मेरे मुझे सोचते बनने वाले थे लेकिन अब मुझे बनने, तो मैं आज बन पाऊँगा नहीं बन पाऊँगा, अगर मैं कल बनूँगा तो फिर मैं वो डेफिनेटली वेट करूँगा, देखते हैं क्या होता है। अभी तो सबसे पहले मैं एडिटिंग करनी शुरू करता हूँ, और ये ब्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मतलब अपने मतलब अलग अलग आप लोगों ने वीडियोस जो देखे हैं मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग वे में था, और भी बिहाइंड द सीन्स है जो कि मेरे इस फोन में जब बोलते बोलते हम लोग हंस गए, बोलते बोलते बहुत सारी चीज़ें, तो एक अलग अलग सा बिहाइंड द सीन्स जो हम लोगों ने क्रिएट किए हैं बताए हैं आप लोगों को, मतलब कैसे होता है शूट, मतलब छोटे यूट्यूबर्स को जिनके पास नहीं होते इतने प्रॉप्स वेन्यू नहीं होता है वो लोग कैसे शूट करते हैं, तो हम लोगों ने जैसे शूट किया है, बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी होंगे जो हमारे जैसे शूट कर रहे होंगे, हमारे से भी और लेवल पर होगा, उनको बहुत स्ट्रगल होगा, वैसे भी उनके लिए सपोर्ट आप लोग हमारे लिए सपोर्ट कर लो, बाकी लोगों के लिए सपोर्ट। अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो, वीडियो को लाइक कर देना, एंड उस तरीश बोत्रा वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, एंड निश्लाइक को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो अभी मैं एडिटिंग करना शुरू करता हूँ, और अगर आज ही क्या अभी ऑलरेडी देखो 11:33 मेरा कोई टाइम दिखाया था, 11:35 हो गए होंगे, तो 11:30 हो चुकी है, फिर करेंगे तो 1-1:30 बज जाएगी, सच्ची इतना लेट हो जाएगा, तो अभी देखते हैं आज रात को करें या कल सुबह करें, देखते जो भी होगा वो बताऊंगा जब ब्लॉग एंड करने आऊँगा, तब तक पता चल जाएगा। अभी ब्लॉग करने एंड आया, अगली वीडियो में तो नहीं किया, अभी कर रहे हैं पता चल जाएगा। तो ही गाइस अभी जो है हम लोग नहीं कर रहे हैं स्कूल वाला जो है वो हम लोग करेंगे कल सुबह सुबह जल्दी जल्दी एकदम जल्दी जल्दी उठ के। तो गाइस आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं, अभी जो है मैंने सोचा था पहले हम लोग रात को बना ले, लेकिन काफ़ी ज़्यादा थक गए थे भाई ऑलरेडी, देखो क्या टाइम हो रहा है 12:54 एक बज रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सब लोगों, मेन रिश्ते कल के ब्लॉग में हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी 54 मिनट आ चुके हैं, 54 मिनट हो चुके हैं इंडिपेंडेंस डे आए को, तो आप सब लोगों का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरी तरफ से। तो चलो हाल फिलहाल तो मैं इस ब्लॉग को इधर एंड करता हूँ, मैं सोचा था कि पहले आज ही कर लूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, जैसे कि अब कल सुबह जल्दी जल्दी उठ के मेरा आज का जो होम वाला था वो तो पूरा एडिट हो गया, रहे सोसाइटी वाला जो था, और अब जो है स्कूल वाला है, तो स्कूल वाला का जितना भी है वो कल सुबह सुबह उठ के फटाफट से रिकॉर्ड कर लेंगे एडिट करके, कल 12 बजे से पहले पहले ये वीडियो आ जाएगा, एंड व्लॉग में भी जो है जो व्लॉग्स है उसे भी फटाफट आएंगे, तो बिहाइंड द सीन्स डालने काफ़ी ज़्यादा एडिट करने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं, तो जो भी है फटाफट से जो है मैं सो जाता हूँ अभी, सुबह जल्दी उठना है क्योंकि मैं 6-7 बजे उठ जाऊँगा, सच्ची बोला 6-7 बजे उठ जाऊँगा जल्दी जल्दी, सिर्फ 5-5.5 घंटे की नींद लूँगा फटाफट से उठ जाऊँगा, क्योंकि 9-9:30 बजे झंडा रोहन भी होगा नीचे, तो उधर भी जाना पड़ेगा मतलब जाना है हमें उधर भी, तो सुबह सुबह देखते हो झंडा रोहन से पहले करूँ मैं शूटिंग हुई तो काफ़ी मस्त लगेगा। तो चलो फटाफट अभी तो सो जाते हैं, और आई होप कि आपको जो होम वाली रेसिडेंसी वाली है उसका BTS बिहाइंड द सीन्स अच्छे लगे होंगे, मुझे तो काफ़ी मतलब पर्सनली कह रहा हूँ तो बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती की, बहुत हंसे हम लोग, सच्चे यार बहुत हंसे अपने बिहाइंड द सीन्स में देखा है। चलो हाँ फिलहाल मैं ये ब्लॉग को इधर ही एंड करता हूँ, आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, मैंने काफ़ी दिनों बाद रिटर्न किया है, तो आप लोगों को प्यार और टेक केयर, से मैं रोज़ ब्लॉग बना के रोज़ डालता रहूँगा, जो पुराने ब्लॉग से पहले के ब्लॉग से मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही एडिट कर करके डालता रहूँगा। तो चलो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पर कमेंट कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल मत जाना, हम लोगों का टारगेट है कि हमको अगस्त चल रहा है ना, उसके बाद क्या है सेप्टेम्बर, हाँ तो सेप्टेम्बर में हमें 100 सब्सक्राइबर्स पूरे करना है, तो प्लीज़ हमारे गोल को अचीव करने में प्लीज़ हमारी मदद करो,
तो चलो इस व्लॉग का तरीके करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।